रमेशपुरम के छोटे से गांव में नीरज रहा करता था और हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखा करता था। नीरज छाते बेचने और बनाने का काम करता था, इसीलिए उसका मुनाफा सिर्फ बरसात के समय ही होता था। पता नहीं क्यों कोई दुकान पर आ ही नहीं रहा, ना जाने कैसे लोगों से इस दुनिया में पाला पड़ा है, कम से कम मेरा भला तो करें। अरे क्यों चिंता करते हो जी, मैं हूँ ना, तुम उसकी बिल्कुल चिंता ना करो। जब तक हमारा ये छतरी का व्यापार नहीं चलेगा, मैं दूसरों के यहाँ काम करके अपना घर चला लूँगी। मैं क्या करूँ भाग्यवान, मुझे अच्छा नहीं लगता तुमसे काम करवाना, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही नीरज अपना घर चलाया करता था तो कभी दूसरों के यहाँ काम करके। रमेशपुरम गांव में कई सारी तकलीफें ऐसी ही होने लगी थी। इस गांव की हालत बहुत खराब होती जा रही है, हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कल ही अचानक कितनी तेज धूप हो गई। हाँ, और आज सुबह बारिश हो रही थी, इसी खराब मौसम के चलते मेरे बच्चे बीमार हो गए। मैं वैद्य जी का कब से इंतजार कर रही हूँ कि कब वो आएंगे और गांव के लोगों का इलाज करेंगे। गांव वाले बदलते मौसम की वजह से बीमार हो रहे थे, चारों तरफ बारिश की अफरा तफरी थी। तब वहाँ पर वैद्य जी आए और उनसे कहने लगे, इस गांव में जब भी आओ घटनाएं हो चुकी होती हैं। ये सब कुछ उस बुढ़िया के श्राप की वजह से हुआ है। खैर, मुझे इन गांव वालों के आपसी मसलों में नहीं पड़ना, अपना काम करना है। आओ आओ, सब लोग जो भी बीमार है सरपंच के घर आ जाओ। अरे वो देखो, वैद्य जी आ गए, चलो सब सरपंच जी के घर चलते हैं। वैद्य जी को दिखाने के लिए सब सरपंच जी के घर गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सरपंच एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, जिन्हें देख गांव वाले और चिंतित हो गए। मेरी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है, अगर ऐसा ही रहा तो मेरे प्राणों का कुछ भी हो सकता है। बस आप हिम्मत मत हारिए, मैंने आपके लिए ये कुछ दवाएं और ये इंजेक्शन लिख दिए हैं, जल्द से जल्द इन्हें मंगवा लीजिए और इन्हें खाना शुरू कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तुम मेरे गांव वालों की रक्षा करो, किसी भी बच्चे या बूढ़े को कुछ ना हो। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सबका पूरा ध्यान रखूंगा। वैद्य जी सरपंच के घर में ही गांव के लोगों की जांच करने लगे। बारिश और तेज होती गई, सारे के सारे गांव में बारिश की वजह से परेशान हो गए। आधा गांव पानी से भर चुका था, सिर्फ नीरज का घर ही ऐसा था जिसके घर में पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। यूं कहें तो नीरज का घर उस गांव में होते हुए भी वहां बारिश की एक बूंद ना गिरी, जिसे देख सब दंग रह गए और नीरज के घर जाकर पूछने लगे, ऐसा भला कैसे हो सकता है, तुम्हारे घर बारिश क्यों नहीं हो रही, कौन सा जादू टोना किया है नीरज भाई? पता नहीं, ना मेरे घर बारिश होती है ना ज्यादा धूप आती है, ये बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही, हो ना हो कोई बात तो जरूर है। हाँ हाँ, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें ये वरदान मिला है। भाग्यशाली कहाँ हूँ बहन, कितने दिनों से अपने परिवार को दो वक्त की रोटी नहीं खिला पाया हूँ मैं। पत्नी और मुझे, हम दोनों को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता है ताकि हमारा घर चल सके। उतने में वहाँ पर वैद्य जी सरपंच के घर से सबका इलाज करके आए और नीरज के घर बारिश ना पाकर कहने लगे, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है, तुम इस गांव के करता धरता कैसे हो सकते हो, उस बुढ़िया के श्राप ने तुम्हें इस गांव को बचाने के लिए चुना है, इसका मतलब वो हुनरबाज तुम हो, हे भगवान। वैद्य जी की बात सुनकर सब दंग रह गए और वैद्य जी से पूछने लगे, वैद्य जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं, करता धरता बुढ़िया ये सब क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये बहकी बहकी बातें आप कब से करने लगे? लगता है सच्चाई बताने का सही समय आ गया है, सारे गांव वालों को यहाँ बुला लो और सब मेरी बात गौर से सुनना। वैद्य जी ने सभी को इकट्ठा किया और सबको एक रहस्यमय तरीके से बातें बताने लगे। ये बात करीब 10 साल पुरानी है, तुम्हारे गांव के सरपंच ने एक बहुत बड़ा जंगल काट दिया था। हाँ हाँ, काट दो पूरा जंगल, इस जंगल की लकड़ियों को बेच कर हम अच्छा पैसा बना लेंगे, काट दो। साहब, जंगल के ठीक बीचों बीच एक बुढ़िया की कोठरी है, उसका क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें सोचना क्या है, उस बुढ़िया का घर तोड़ दो और क्या। सरपंच के इतना कहते ही उन सब ने मिलकर बुढ़िया का घर तोड़ दिया और जब बुढ़िया वहाँ आई तो पूरा जंगल कटा हुआ और अपना घर टूटा देखकर कहने लगी,
तुम सब पापियों का नाश अवश्य आएगा। तुमने मेरा घर और परिवार उजाड़ा है, तुम्हारा घर और परिवार उजड़ जाएगा। ये जंगल मेरे परिवार से कम नहीं था। जी कृपा करके ऐसा श्राप न दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इस श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हारे गांव में हुनरबाज आएगा, जो अपनी हुनर से गांव को प्रलय के प्रकोप से बचाएगा। उसकी बनाई हुई चीज को अपने घर पे लगा देना, ऐसा करते ही तुम्हारी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। नीरज के घर बारिश नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि नीरज ही वो हुनरबाज है। लेकिन मुझ में ऐसा कौन सा हुनर है जो गांव की इतनी मदद कर सकता है? तुमसे अच्छी छतरी कोई बना सकता है भला? तुम अपनी बनाई हुई एक छतरी दो। नीरज की पत्नी ने नीरज की बनाई हुई एक छतरी ली और उस गांव के एक घर में जाकर लगा दी। जैसे ही छतरी लगी, वो घर साधारण घर से छतरी घर में तब्दील हो गया। मानो एक छोटी सी छतरी इतनी बड़ी हो गई कि पूरे घर को ढक लिया, जिसे देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए। देखा आप सबने, तुम्हारे गांव का भला सिर्फ और सिर्फ नीरज ही कर सकता है। नीरज भाई, मुझे भी एक छतरी बनाकर दीजिए ना, मेरे बच्चे बीमारी से पहले से ही जूझ रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी नीरज भाई साहब, मुझे भी दीजिए। तुम सब ऐसे पराये जैसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? मैं पूरे गांव के लिए छतरी बनाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। जी, मैं आपका इसमें पूरा साथ दूंगी। नीरज ने दिन रात मेहनत करके छतरी बना के तैयार कर दी और देखते ही देखते सभी को छतरी देना शुरू कर दिया। सभी नीरज की बनाई हुई छतरी ले जाते और अपने अपने घरों में लगा देते। सभी के घर छोटे से मामूली घर से छतरी घर में तब्दील हो गए थे। सभी की छतरी घर को देखकर सरपंच अपनी बीमारी वाली अवस्था में ही वहाँ आ गया और कहने लगा, नीरज तुम मुझे छतरी नहीं दोगे? जी सरपंच जी, ये भी कोई कहने की बात है भला, आपको छतरी क्यों नहीं दूंगा? वैसे ये श्राप कब तक चलेगा? इसका कोई अंत नहीं है क्या? छतरी से हमारा घर सुरक्षित हो गया है बस, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही और ना ही लोगों की हैरानी कम हो रही है। हम गांव वालों को मिलकर कई सारे पौधे लगाने होंगे, तब जाकर उस बुढ़िया के श्राप से मुक्त हो पाएंगे। बल्कि आज ही हम सब मिलकर पेड़ पौधे लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे उस बुढ़िया का श्राप चला जाए। मैं ठीक वैसा ही करूँगा। नीरज अपने गांव वालों के साथ मिलकर हर जगह पौधे लगाना शुरू कर देता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, छतरी घर की मदद से गांव वाले अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने लगते हैं। नीरज की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। कई महीनों तक पौधे लगाने की वजह से उस गांव में बारिश बंद हो जाती है और बुढ़िया का श्राप भी खत्म हो जाता है। सब अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। मुथु एक गरीब था जो साइकिल पर घूम घूम कर कॉफी बेचा करता था। मुथु का ये व्यापार नया था। कॉफी 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 गर्मा गर्म कॉफी कॉफी, एक कॉफी देना। मुथु की कॉफी ग्राहकों को कुछ खास पसंद नहीं आती थी। अरे रवि भैया, कॉफी पियोगे? नहीं नहीं मुथु, अभी घर पर कॉफी पिया है। ठीक है भैया। मुथु थोड़ा दूर ही गया था कि रवि के साथ वाला आदमी उससे बोलने लगा। भाई तू तो बोल रहा था कि चाय या कॉफी मिल जाए बस, तो कॉफी क्यों नहीं लिए? अरे यार, इसके हाथ की कॉफी इतनी बकवास होती है ना कि क्या बोलूं। तू एक बार पिएगा ना तो जिंदगी भर कॉफी नहीं पिएगा। ग्राहकों की ये बात मुथु को बुरी लग रही थी। मुथु बहुत कोशिश करता था अच्छी कॉफी बनाने की, पर उससे कभी अच्छी कॉफी बनती ही नहीं थी। वो निराश होकर घर गया। वीना, अच्छी कॉफी बनाने का क्या तरीका है? माप, सही मापों से सही कॉफी बनती है। मैं कितना भी सही माप इस्तेमाल करूं, मेरी कॉफी ग्राहकों को अच्छी ही नहीं लगती। जिसको अच्छी कॉफी दूं, वो बोलता है कि कड़क कॉफी चाहिए, और जिसे कड़क कॉफी दूं, उसे वो भी अच्छी नहीं लगती। ऐसी कॉफी कैसे बनाऊं जो सारे ग्राहक को अच्छी लगे? अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे यकीन है आप खुद ही सही कॉफी बनाना सीख लेंगे। उम्मीद तो यही है, देखते हैं। मुथु निराश था। उस रात तेज बरसात शुरू हो गई और सुबह तक बादल बरसते रहे।
अगली सुबह मुत्थू अपनी साइकिल लेकर निकल रहा था। वीना, मेरी साइकिल का छाता निकाल दो। हाँ, वीना छाता लेकर आई। इसमें तो छेद है, लगता है चूहों ने छेद कर दिया है। कोई नहीं, काम तो चल ही जाएगा। मुत्थू ने वो बड़ा छाता साइकिल के ऊपर लगा दिया और मुत्थू साइकिल लेकर निकल गया। बाहर बरसात हो रही थी। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, कॉफी 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 कॉफी। बरसात के कारण रास्ते पर कम लोग थे। बस स्टॉप के पास जाता हूँ, वहाँ कोई न कोई मेरी कॉफी पी ही लेगा। मुत्थू बस स्टॉप पहुँचा तो वहाँ कई लोग छाता लेकर खड़े थे। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी। तभी उसे वहाँ रवि दिखा। रवि को बारिश से ठंड लग रही थी। इतनी ठंडी में कॉफी ही पी लेता हूँ, इसकी कॉफी का स्वाद तो अच्छा नहीं होता, पर कम से कम गर्म होती है। अरे भाई, एक कॉफी देना। मुत्थू ने बहुत खुश होकर रवि के लिए एक कॉफी बनाई और तभी उसके छाते से एक बूंद पानी उस कप में टपका। रवि ने वो कॉफी चखी। अरे वाह वाह वाह, क्या कॉफी बनाई है मुत्थू, इतनी अच्छी कॉफी मैंने जिंदगी में नहीं पी। सच्ची? हाँ सच्ची, बस मजा आ गया। रवि ने बड़े चाव से वो कॉफी पी। मुत्थू, एक और कप कॉफी दे दो। हाँ भाई। मुत्थू ने उसे एक और कप कॉफी दी। आसपास खड़े और कई ग्राहक कॉफी पीने चले आए। मुझे भी एक कॉफी देना। मुझे भी दो भाई, मैं भी तो देखता हूँ तुम्हारी कॉफी में ऐसा क्या है। हाँ हाँ, सबको देता हूँ। मुत्थू एक एक करके सारे ग्राहकों को कॉफी देने लगा। हर एक की कॉफी में छाते से एक बूंद का पानी टपका और ग्राहकों को कॉफी बहुत अच्छी लगने लगी। वाह भाई, कमाल है, ऐसी कॉफी कहीं नहीं पी। हाँ हाँ बिल्कुल। सभी को कॉफी का स्वाद बहुत भा रहा था। मुत्थू चौंक गया। आज तक किसी को मेरी कॉफी पसंद नहीं आई, अचानक ये चमत्कार क्या हो गया? जो भी हो, आज तो मेरी चांदी है चांदी। मुत्थू की कॉफी धड़ाधड़ बिक रही थी और उसकी कमाई बढ़ रही थी। आज बस स्टॉप पर ही उसके 120 कप कॉफी बिकी और उसका सारा सामान खत्म हो गया। उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने घर लौटा। वीना, वीना, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? आज ग्राहकों को मेरी कॉफी इतनी पसंद आई कि धड़ाधड़ सब बिक गई। एक ही घंटे में 120 कॉफी बिकी है। अरे वाह। अरे पता है, हर ग्राहक को मेरी कॉफी पसंद आ रही थी, किसी किसी ने तो एक से ज्यादा कॉफी पी और सब तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा था ना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा है। वीना भी हैरान थी कि ये सब अचानक कैसे हुआ, पर वो खुश थी। अगले दिन भी बरसात थी। मुत्थू अपने फटे हुए छाते के नीचे कॉफी बेच रहा था। छाते से कुछ पानी की बूंदें कॉफी में गिर रही थी। बहुत बेहतरीन कॉफी है ये। धन्यवाद। आज भी मुत्थू की कॉफी धड़ाधड़ बिक रही थी। मुत्थू की अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। आज तीसरा दिन था और बरसात थम गई। मुत्थू ने छाता बंद कर लिया। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, एक कॉफी देना। आज जब इस ग्राहक ने कॉफी चखी तो उसने कॉफी थूक दी। ची 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 ची, कितनी बेकार कॉफी बनी है। तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाते थे, अचानक ये क्या कर दिया भाई। ये बात सुनकर मुत्थू हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरे ग्राहकों को भी कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर अचानक बरसात शुरू हुई और मुत्थू ने छाता खोल लिया। कुछ देर बाद उसके पास एक ग्राहक आई। एक कॉफी देना। मुत्थू ने उसे कॉफी दी। वाह मुत्थू भैया, बहुत ही अच्छी कॉफी है। मुत्थू चौंक गया। अब तक तो लोगों को कॉफी अच्छी नहीं लग रही थी, अब ऐसा क्या बदल गया। खैर, उसके बाद भी जो ग्राहक आए
सबको कॉफी अच्छी लगी और एक बार फिर धड़ाधड़ कॉफी बिकने लगी। मुत्थू घर पहुंचा और उसने ये अजीब घटना अपनी पत्नी को बताई। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कुछ तो अलग किया होगा ना? बस एक ही बात अलग थी, बरसात। पहले जब मैंने कॉफी बनाई तब बरसात नहीं थी, पर फिर जब मैंने कॉफी बनाई तो बरसात थी। ऐसा? चलिए आजमाते हैं, आप घर के अंदर कॉफी बनाइए। मुत्थू ने वीना के लिए कॉफी बनाई और उसे दे दी। वीना ने वो कॉफी चखी और थूक दी। छी छी छी, ये कितनी बुरी कॉफी है। आपके ग्राहकों को ऐसी कॉफी कैसे पसंद आती है? पता नहीं। अब एक काम कीजिए, बरसात में कॉफी बनाइए। मुत्थू ने बरसात में छाते के नीचे कॉफी बनाई और ये कॉफी वीना को अच्छी लगी। ये कमाल है, लगता है इस छाते में ही कुछ है। इस छाते के नीचे कॉफी कमाल बनती है। ये चमत्कारी छाता है। मुत्थू और वीना समझ गए कि ये कमाल छाते का ही है। उस दिन से मुत्थू रोज चमत्कारी छाते के नीचे ही कॉफी बनाया करता था और उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। एक गांव में मुरली नाम का एक व्यक्ति था। मुरली गरीब था। वो दिन भर चक्की चलाकर आटा पीसा करता था। अरे भैया, ये लो 10 किलो है। ठीक है, शाम तक देता हूँ, और 50 रुपए होंगे। अरे बाप रे, इतना महंगा? दीदी, 1 किलो का बस 5 रुपए ले रहा हूँ। मेरी मेहनत भी तो देखिए, हाथ से चक्की पीसता हूँ। ठीक है, लेकिन शाम तक दे देना। ठीक है। मुरली ने अपनी चक्की पीसना जारी रखा। कुछ देर बाद तेज आंधी आई और मुरली का पीसा हुआ सारा आटा उड़ाकर ले गई। अरे अरे, ये क्या? मेरी मेहनत, मेरी कमाई। मुरली ने अपना माथा पकड़ लिया। अब वो ग्राहकों को क्या देता? उसके पास तो गेहूं खरीदने के भी पैसे नहीं थे। ये हवा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुरली उस हवा की दिशा में दौड़ने लगा। हवा जंगल से गुजरी और मुरली उस तेज हवा का पीछा करता रहा। आखिर हवा एक पर्वत पर आकर रुक गई। अरे हवा, ये तूने क्या किया? मेरा सारा आटा उड़ा दिया। अब मैं कैसे ग्राहकों को पैसे दूंगा? बता बता बता, मेरा आटा मुझे लौटा दे हवा। घूमते हुए बवंडर में मुरली को चेहरा दिखाई देने लगा। अब तो ये उड़ गया, उसे कैसे लौटाऊं? मुझे नहीं पता, कुछ भी कर मुझे वो आटा जल्द से जल्द लौटा दे। ठीक है, मैं आटा तो नहीं लौटा सकता, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। घूमते हुए बवंडर से एक पीतल का डिब्बा बाहर निकला। ये क्या? ये जादुई डिब्बा है, इसे तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। इस डिब्बे को हाथ में पकड़कर ये मंत्र पढ़ो। डिब्बा डिब्बा जादुई डिब्बा, जादू कर दे गोल गोल, जादू 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 से भर दे डिब्बा आटे से। और डिब्बे के अंदर आटा भर गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मुरली ने वो जादुई डिब्बा ले लिया और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौटने लगा। मुरली इस डिब्बे को अपने घर के अंदर ले गया। मुरली की पड़ोसन ने उसके हाथ में नया डिब्बा देख लिया। ये नया डिब्बा कहाँ से लाया ये फकीर? इसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते थे। मुझे पता लगाना ही होगा। पड़ोसन ने मुरली का पीछा किया और उसके घर की खिड़की से झांकने लगी। उसने देखा कि मुरली ने वो डिब्बा हाथों में पकड़ा है और अब इसे आजमाता हूँ। मुरली ने डिब्बे का आटा थाली में पलट लिया और डिब्बा हाथ में पकड़कर मंत्र पढ़ने लगा। डिब्बा डिब्बा जादुई डिब्बा, जादू कर दे गोल गोल, जादू 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 से भर दे डिब्बा आटे से। और जब मुरली ने डिब्बा देखा तो पूरा डिब्बा आटे से भरा हुआ था। अरे रे, ये तो जादू है, सच में जादू। अब मुझे इतनी मेहनत करके चक्की चलाने की कोई जरूरत नहीं। मुरली खुश था और पड़ोसन हैरान।
मुझे कुछ भी करके उस डिब्बे को चुराना होगा, लेकिन अगर मैं वो डिब्बा चुराती हूँ तो मुरली उसकी खोज में सबके घर ढूंढेगा। उससे अच्छा है मैं उस जादुई डिब्बे को दूसरे डिब्बे से बदल देती हूँ। रात को जब मुरली सो रहा था तब उसकी पड़ोसन गोपी ने वो जादुई डिब्बा दूसरे डिब्बे से बदल दिया। अगले दिन मुरली ने जादुई डिब्बा हाथ में पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। डिब्बा डिब्बा जादुई डिब्बा, जादू कर दे गोल गोल, जादू 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 से भर दे डिब्बा आटे से। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। वो कई बार मंत्र पढ़ता रहा पर कुछ ना हुआ। मुरली सोचने लगा कि जादुई हवा ने उसके साथ धोखा किया है। उस जादुई हवा ने मुझे ठगा है, मैं उससे जवाब लेकर ही रहूंगा। और एक बार फिर मुरली उसी पर्वत पर पहुंचा। क्या हुआ, आज तुम फिर यहाँ? इतने भोले मत बनो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये लो तुम्हारा जादुई डिब्बा, ये काम ही नहीं कर रहा है। ये तो वो डिब्बा नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे भाई तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। और हवा के बवंडर से एक बड़ा थैला बाहर आया। ये जादुई थैला है, इसे भी तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें ये मंत्र पढ़ना है, थैला थैला जादुई थैला, जादू कर दे गोल गोल, जादू 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 से भर दे थैला आटे से। और थैला आटे से भर गया। ठीक है, इसे मैं लेके जा रहा हूँ। इस बार मेरे साथ कोई धोखा किया ना तो समझ लेना। नहीं भाई, मैं क्यों धोखा करूँगा। अब तुम जाओ और आराम की जिंदगी जी लो। मुरली थैला लेकर लौट रहा था तो उसके पड़ोसन ने थैला देख लिया। लगता है अब इस थैले में भी कोई जादू है, मुझे पता लगाना ही होगा। एक बार फिर पड़ोसन खिड़की से झांकने लगी। मुरली ने थैले का आटा बोरे में पलट लिया और मंत्र पढ़ने लगा। थैला थैला जादुई थैला, जादू कर दे गोल गोल, जादू 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 से भर दे थैला आटे से। मंत्र बोलते ही थैला आटे से भर गया। मुरली सारा आटा बोरे में पलटता गया। उसने कई बार जादुई थैले से आटा मांगा, वो खुश था। कम से कम इस बार जादुई हवा ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। उसकी पड़ोसन के मन में जादुई थैले की चोरी करने का भी लालच जाग गया। और उस रात जब मुरली सो रहा था तब पड़ोसन ने वो जादुई थैला चुरा लिया और वहाँ दूसरा थैला रख दिया। अगली सुबह जब मुरली थैले से आटा मांग रहा था तो कुछ हो ही नहीं रहा था। उसने कई बार मंत्र पढ़ा। जादू 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 से भर दे थैला आटे से, जादू 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 से भर दे थैला आटे से। अरे भर दे थैला, मैं जादुई हवा को हरगिज नहीं छोड़ूंगा, इस बार भी उसने मेरे साथ धोखा किया है। गुस्से से तमतमाता हुआ मुरली पर्वत पर जा पहुंचा। जादुई हवा, तुमने मेरे साथ फिर से धोखा किया। मैंने कोई धोखा नहीं किया। झूठ, सरासर झूठ। तुमने जादुई डिब्बा दिया और फिर ये जादुई थैला, एक रात बाद ही जादू खत्म कैसे हो जाता है? हवा ने वो थैला देखा तो वो समझ गया कि वो जादुई थैला नहीं था। इस बार मैं तुम्हें जो दूंगा उससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। और हवा के बवंडर से एक लाठी निकली। इसका मैं क्या करूँगा? बस आज रात इसे अपने घर में रखना और जब तुम्हें चोर मिल जाए तो ये मंत्र पढ़ना, लाठी लाठी जादुई लाठी, जादू कर दे गोल गोल, जादू 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 से लालची व्यक्ति को सजा दे। ठीक है। मुरली वो जादुई लाठी लेकर अपने घर आया और उसकी पड़ोसन ने वो लाठी देख ली। इस लाठी में भी जरूर कोई ना कोई जादू तो होगा ही, आज रात इसे भी चुराती हूँ। रात हुई और मुरली अपने बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगा। और अब पड़ोसन लाठी चुराने पहुंची। लगता है सो गया है। जैसे ही गोपी ने लाठी को हाथ लगाया
मुरली उठकर बैठ गया। लाठी लाठी जादुई लाठी, जादू कर दे गोल गोल, जादू 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 से लालची व्यक्ति को सजा दे। और लाठी पड़ोसन को पीटने लगी। अरे रे रे, अरे मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। पहले मुझसे लूटी हुई सारी चीजें मुझे लौटा दो। देती हूँ, देती हूँ। रुक जाओ जादुई लाठी। लाठी ने मारना बंद किया। पड़ोसन दौड़ के अपने घर गई और जादुई डिब्बा और थैला लेकर लौट आई। उसने वो दोनों मुरली को लौटा दिए। आइंदा मेरी कोई चीज चुराई तो याद रखना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी क्या, किसी की भी कोई चीज नहीं चुराऊंगी। पड़ोसन 9-2-11 हो गई। और फिर मुरली जादुई डिब्बे से और जादुई थैले से आटा निकाल निकाल कर बेचता रहा। अब उसे चक्की चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। जादुई हवा ने जादुई डिब्बा और जादुई थैला देकर मुरली का जीवन सरल बना दिया।